नाजरीन, चौधरी अरशद अमीन लैया का एक ऐसा स्टूडेंट लीडर था जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां जो हैं वो आज भी मनगढ़ंत बातें जो हैं वो गर्दिश करती रहती हैं। तो उस हवाले से आज मैं आपको उसके ख़ानदान के एक फ़र्द से मिलवाने जा रहा हूँ, जो उसका छोटा भाई है जिसका नाम तहर अमीन है। तो उससे हम पूछेंगे कि चौधरी अरशद अमीन लाहौर कैसे पहुँचा, वहाँ क्या वो ट्रैक्टर के पैसे लेकर गया था बाप से। नाजरीन, चौधरी अरशद अमीन सन 77 में लाहौर गए, वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने जमीयत में जो है हिस्सा लिया, उसके बाद वो MSF का हिस्सा बने। और चौधरी अरशद अमीन के बारे में कहा जाता है कि एक वक्त था कि लाहौर शहर के जितने भी SHO थे वो चौधरी अरशद अमीन के हुक्म पर तब्दील होते थे। और इसके अलावा एक छोटा सा वाक़या है कि लैया शहर का एक कोई आदमी लाहौर पहुंचा तो वहां पर उसकी जेब कट गई। जब जेब वहां पर कट गई तो उसको पता था कि चौधरी अरशद अमीन लाहौर में रहते हैं, तो वो चौधरी अरशद अमीन साहब के पास पहुंचा, तो उसने अपना सारा जो माजरा था उसको बताया कि मेरी जेब कट गई है और मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उस जेब में थी। तो अरशद अमीन ने कहते हैं कि PTCL से एक नंबर मिलाया और ठीक आधे घंटे बाद लाहौर शहर के जितने जेब कुतरे थे वो सारे ऐसे लाइन में खड़े हो गए। बहुत शुक्रिया नाजरीन। आप जानते हैं कि चौधरी अरशद अमीन साहब लाहौर में तकरीबन कोई 18 साल वहाँ वो रहे हैं और इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद हैं उनके छोटे भाई चौधरी तहर अमीन साहब। तो उनकी ज़िंदगी के मुतालिक हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तहर अमीन साहब, आपने वक्त दिया। तो मेरे ख्याल में ये पहली बार चौधरी अरशद अमीन की जो फैमिली है उनकी तरफ से उनकी ज़िंदगी के मुतालिक बताया जा रहा है। तो चौधरी अरशद अमीन के बारे में कहा जाता है, बहुत सारी कहानियाँ उनके बारे में, बहुत सारे अफसाने हैं। कोई कहता है कि वो ट्रैक्टर के पैसे लेकर बाप ने भेजा उसको लाहौर और वो वहाँ जाकर स्टूडेंट लीडर बन गए। तो इसमें कितनी सदाकत है, क्या वो ट्रैक्टर के पैसे लेकर लाहौर गए थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। उन्होंने वो सिविल डिप्लोमा करने गए थे टेक्निकल कॉलेज रेलवे रोड में, वाले साहब की मशावरत से गए थे और पूरी फैमिली की मशावरत से गए थे। हमारे वाले साहब सब इंजीनियर थे महकमा नहर में, उनकी पोस्ट पे वो गए थे। ऐसा कोई बात नहीं वो ट्रैक्टर के पैसे लेकर गए। उन्होंने सियासत ज्वाइन की थी जो हमारे वाले साहब को पसंद नहीं थी। MSF पहले जमीयत में थे 2 साल, 1980 में मेरा ख्याल उन्होंने MSF ज्वाइन की थी, फिर MSF में ही रहे हैं। बाद में तालीम मुकम्मल होने के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग यूथ विंग के मरकजी सदर थे। माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं कि वो ट्रैक्टर के पैसे लेकर गए थे या लेने गए थे, ऐसा कोई मामला नहीं है। इधर से वाले साहब ने 3 साल तक जो अखराजात होते हैं सब वाले साहब देते थे उनको। उसके बाद जब सियासत में चले गए उस वक्त वाले साहब ने नाराज़गी के इजहार में उनको जो खर्चा देते थे माहाना वो बंद किया था, और वो भी लेकिन फिर भी वालदा उनको देती थी, भाइयों के हाथों दे देती थी। वाले साहब ने उनसे मुनकता हो गए थे जब वो सियासत में मुकम्मल चले गए थे। अच्छा, आप यानी उनके बारे में ये भी बताएं कि जो जब वो चौधरी अरशद अमीन साहब वहाँ पर कॉलेज में सियासत में इन्वॉल्व हुए तो वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने कोई खत वगैरह भेजा था? जी, जरूर भेजा था जी। टेक्निकल कॉलेज साहब के प्रिंसिपल जो उस वक्त थे ना, उन्होंने एज ए शायद हमारे वाले साहब मुलाजम थे इसलिए एक लेटर भेजा था कि आप अपने बच्चा आपका जो सियासत में जा रहा है आप इसको ले जाएं, अगर ये 6 माह तक आप इस पर कंट्रोल मुकम्मल कर लेंगे तो इनका डिप्लोमा मुकम्मल हो चुका है और इनको सर्विस भी ले दूंगा। और वाले साहब उनको वापस भी लेकर आए थे।
वो घर में तकरीबन रहे थे, एक माह भी पूरा नहीं रहे थे, फिर वापस चले गए। फिर वाला साहब ने इसी नाराजगी से ना उनसे वो नाता मुनकता किया हुआ था। वो आते थे ईद पे, आ जाते थे घर, हम सब उनसे मिलते जुलते थे। वाले साहब उनसे नाराज रहते थे इस बात पे कि आप सियासत में क्यों गए, मैंने आपको पढ़ने भेजा था, आप इस लेवल पे गलत रास्ते पे जा रहे हो। फिर हमारा एक भाई 94-92 में अनवारुल हक सेक्रेटरी यूसी जम्मन शाह थे, वो मिलने गए थे इनको, उनकी भी वहाँ कत्ल हो गए थे। उसके बाद आना जाना शुरू हो गया था। फिर हम बाला साहब मिलते भी थे, बैठते भी थे, बात भी करते थे, उससे पहले नहीं करते थे। जब दूसरी मरतबा यानी जब वाला साहब उनको लेकर आए, लाहौर से वापस ले आए, प्रिंसिपल ने खत लिखा, उसके ऊपर वाला साहब ने नाराजगी का इजहार किया कि आप सियासत में जा रहे हैं, तो जब वो वापस आए तो दूसरी दफा वो फिर लाहौर कैसे पहुंचे, वो क्या वाक्य? वो इधर ही हमारे पास देहात में रहते हैं। मुझे मैं छोटा छोटा था भाई, मुझे साथ लिया, लिए गए भी चलो चलते फिरते हैं लिया। फिरते फिरते जब वो स्टैंड पे आए, बस स्टैंड पे, लाहौर का टाइम लगा हुआ था, उन्होंने वेस्पा मुझे दिया और वो अपना बस पे सवार हुए। उसने कहा वाले साहब को कह देना मैं इधर नहीं रह सकता, मैं घर आया। वाले साहब ने पूछा, मैंने कहा वो तो चले गए लाहौर। फिर वाले साहब ने ना बिल्कुल ही उनसे रब्ता नहीं रखा। वालदा साहब हमारी थी, वो रखती थी रब्ता, कपड़े भी भेजती थी, खर्चा भी भेज देती थी। जब कभी उसका खत आना मुझे भेज देते थे, जाओ खर्चा दे हो, यानी कि वाले साहब के कागजों में नहीं होता था खर्चा भेजा है या कपड़े भेजे हैं या। वाले साहब उनसे नहीं, नाराज रहते थे, ये काम नहीं अच्छा। आप लाहौर जाते होंगे अरशद अमीन साहब के पास, तो वहां पर कोई ऐसा वाकया जो आपको आज तक याद हो, जब आप वहाँ उनके साथ रहे हों, आप वहाँ जाते भी रहे, उनके पास रहते भी रहे, तो कोई ऐसा वाकया जो आज तक आपको याद हो? बहुत से ऐसे वाकये हैं, मैं जाता था, मैं चलता फिरता था उधर, यानी कि जहाँ भी नाम लेते थे रिस्पेक्ट ही मिलती थी। एक वाकया है मेरे साथ, इधर हमारे दोस्त हैं हाजी शराफत अली जिस्कानी साहब, मैं और वो, उनका काम था उधर गए। फिर उनका एक ना दोस्त था हाई साहब का, वो उधर ना ट्रैफिक में था सार्जेंट, और हाई साहब मुझे कहने लगे उधर चलते हैं उनके पास। जब उधर गए तो हाई साहब ने मुझे कहा कि मैं ना अपना इकबाल साहब को कहूँगा कि इसका ख्याल रखें, ये हमारा भाई है अरशद में। तो जब मैंने भाई साहब से कहा कि आप सिर्फ नाम लेना, ये ना कहना कि ख्याल रखे, जो क्या ख्याल रखना है इसका। तो जब सार्जेंट साहब से भाई साहब ने बात की तो उन्होंने कहा यार आपको, आप कैसे जानते हैं, आप मुझे ख्याल का कह रहे हैं, आप मेरा कहें कि वो ख्याल रखें। एक पुलिस मुलाजम सार्जेंट भी कह रहा था कि मुझे अरशद अमीन से मिलवाएं और मुलाकात करवाएं। ऐसे बहुत से वाकयात हैं उनके, वो थे MSF के सदर और जुनेजो साहब से उनका करीबी ताल्लुक था, वो वजीर आजम थे। ऐसे समझ लें कि ये भी वजीर आजम थे, इनके साथ बैठते थे। जब लाहौर जुनेजो साहब तशरीफ लाते थे तो इनकी गाड़ी में सफर करते थे। ये पूरे लाहौर ने भी देखा हुआ है, हमने भी देखा है, प्रोटोकॉल आगे पीछे होता था, इसकी गाड़ी के आगे पीछे होता था वजीर आजम का। बाकी तो इसका क्या कह सकते हैं। और उनमें नवाज शरीफ साहब, उनमें मोहम्मद खान साहब भी हैं, हामिद नासर चट्ठा साहब भी हैं,
और सबसे ज्यादा जो कहा जाता है कि उस वक्त के जो वजीर आला मंजूर भट्टू थे उसके साथ चौधरी अरशद अमीन साहब का क्या ताल्लुक? ये सर सियासी ताल्लुक होता है ये, क्योंकि ये MSF के सदर थे, फिर ये मुस्लिम लीग यूथ विंग के सदर थे मरकजी, फिर सियासत में जमात में ये तो चलता है एहतराम करना पड़ता है एक दूसरे का, ये एहतराम करते थे। मियां मंजूर भट्टू साहब बहुत ही इनके करीब रहते थे और रियाज फतेहाना साहब वजीर तालीम थे मुस्लिम लीग के दौर में, उस वक्त भी रियाज फतेहाना साहब भी इनके, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि ये एक दो दिन बाद ज़रूर इनकी बैठक पे मुलाकात होती थी, भाई अरशद के पास आते थे, मियां मंजूर भट्टू साहब भी आते थे। फिर जब ये मुस्लिम लीग बटी जनेजो साहब की वफात के बाद, फिर ये मियां साहब इनके मुखालफ हो गए और फिर कोई हमारा भाई कत्ल हुआ उसकी एवज में इनको भी यही कुछ इनके साथ हुआ। उसके बाद भाई हमने कोई रब्ता नहीं रखा, ना ही थोड़ा जनेजो साहब, असद जनेजो साहब एक दो बार आए थे, उन्होंने हमारा हाल अवेला पूछा था, मियां मंजूर भट्टू साहब भी आए थे और रियाज फतेहाना साहब भी आए थे, आमन नासर साहब भी आए थे। उसके बाद दो भाई, हम चार भाई थे, दो चले गए, दो थे बस, वो वाले साहब के कहने पे हमने कभी उधर लाहौर जाना ही पसंद नहीं किया। और अपने वालिद की ज़िंदगी में मुझे कभी कोई काम कह भी देना कि लाहौर जाना है तो घर में एक कोहराम समझ जाता था, अभी आपने नहीं जाना, लाहौर नहीं जाना। लेकिन अमन असर चट्टा साहब जब गुलखानी पे आए थे, उन्होंने वालिद साहब को कहा था कि आप उस जगह पे अपना कोई लड़का दें, तो हमारे वालिद साहब ने इनकार कर दिया था कि बस चट्टा साहब हम नहीं आना चाहते, और उसको फिर मुनकता ही कर दिया था सारा। जो अमीन साहब का वहाँ पर लाहौर में घर वगैरह था या जो हाँ उनकी रिहाइश थी सब कुछ, वो उधर अब कौन देखता है उसको? जो जब भाई हमारे इधर से गए ना सियासत में पढ़े, तो इनका एक भाई बना था मोहम्मद आरफ चौधरी, वो भी साथ ही कत्ल हुए थे, दोनों इकट्ठे कत्ल हुए थे, क्योंकि ये दो बाजू थे। हमारे भाई अरशद अमीन ने उन्हीं के घर में रिहाइश थी, तो उन्हीं के इकट्ठे रहते थे और उनकी वालदा को वालदा कहते थे, भाइयों को भाई कहते थे, और उसी फैमिली से। अभी लाहौर में 70% लोगों को यही पता है कि अपना ये आरफ और अरशद अमीन भाई हैं, लेकिन वो दोस्त थे हकीकी भाई जो हैं, हम चार थे, बड़े बड़े का नाम अनवरो लगता, ये जुड़वा थे खालिद अमीन और अरशद अमीन, मैं इनका छोटा भाई ताहिर अमीन, हम चार भाई थे। वाले साहब का नाम मोहम्मद अमीन था, वो सब इंजीनियर थे महकमा नहर। उसके बाद वो, इसलिए हमने उनसे कोई क्लेम नहीं किया किसी किस्म का, इसकी कोई चीज़ है नहीं है। उस वक्त एक होटल तामीर कर रहे थे वो मरी में, सोन हारो के नाम पे, वो होटल में फिर कुछ हिस्सेदार थे, हम नहीं चलाना था चाहते थे, हमारे वाले साहब नहीं चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने को सेल कर दिया था, अपना हिस्सा निकाल लिया था। उस वही हमने किया था, लाहौर की जो प्रॉपर्टी थी नहीं थी वो अरब भाई के वारसान को पता है, थी नहीं थी क्या था, हमने कोई क्लेम नहीं उनसे किया। इसके अलावा कोई नाजरीन जो हमारे देख रहे हैं तो उनके लिए कोई पैगाम? और दूसरी बात यह है कि चौधरी अरशद अमीन का कोई ऐसा वाकया बयान अगर आप कर दें
क्योंकि बहुत सारे नाजरीन जो हैं वो उनके यानी हवाले से बहुत सारे, जिस तरह पहले भी आपने कहा कि वो ट्रैक्टर के पैसे वगैरह लेकर नहीं गए थे बकायदा, वो तो तालीम हासिल करने के लिए गए थे, तो ये एक बहुत ज़्यादा कहा जाता था, बड़ी स्टोरियाँ इसके ऊपर बनी हुई हैं कि बाप ने ट्रैक्टर के पैसे दिए तो वो लाहौर में आके इस तरह सियासत करने लग गया और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो कोई ऐसा वाकया जो उनसे मंसूब किया जाता हो जो आपके नोटिस में हो तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसे कामों में वाकयात बहुत होते हैं, इसमें बस उन्होंने अपनी ज़िंदगी MSF के लिए सारी ज़िंदगी खर्च की और उसके बाद वो मुस्लिम लीग के जियाले थे, मुस्लिम लीग के सब लोगों को पता है वो क्या थे। अब कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, हम तो कुछ नहीं कह सकते, हमारा तो भाई था ना। बाकी गए वो तालीम हासिल करने थे, कोई ट्रैक्टर के पैसे नहीं लेके गए थे। जब भी ट्रैक्टर हम लेते थे मिल्लत से लेते थे, वो खुद जाते थे, हम वाले साहब खुद जाते थे, वो लेकर आते थे। तकरीबन हमने 76 में भी ट्रैक्टर लिया था, फिर हमने 82 में लिया था, 86 में लिया था, खुद वाले साहब जाते थे लेकर आते थे। कोई नहीं, वो सिर्फ उनसे नाराज़गी वाले साहब की हुई थी इसीलिए कि आप तालीम हासिल करने गए हैं, आप सियासत में चले गए, आप मुझसे जड़ा, मैं आपको खर्चा नहीं दूंगा। बाकी ऐसा कोई मामला नहीं है, वो 3 साल तक डिप्लोमा करते रहे हैं, जब तक वाले साहब को पता नहीं चला, प्रिंसिपल साहब का खत नहीं आया। उस वक्त माना मेरा ख्याल 8,000 रुपया वाले साहब उनको भेजते थे जो उनका अखराजात होता था। ये सन 77 की बात कर रहा हूँ, 7-8 हज़ार रुपया स्टूडेंट के लिए बहुत है। माशाल्लाह हमारे वाला साहब की पेंशन भी थी, जिमींदारा भी था, 118 एकड़ के मालिक थे हमारे वाला साहब, यहाँ जब हम बैठे हैं 115-16 में, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र था, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। कभी भी वो भी आए हूँ पैसे दो मैं ये करूँ जब नहीं, उन्होंने कभी कुछ नहीं, उनको जो फंड्स आते थे जो कुछ था उन्हीं को पता है, जिंदा होते तो बताते भी कहाँ से आते थे, हम तो कुछ नहीं बता सकते। हमने 3 साल तक हमारे वाले साहब ने खर्चा दिया, उसके बाद कभी उसको मजबूरी होती थी, उस वक्त होती खतो किताबत में कभी खाता आता तो मुझे वालदा भेज देती थी कपड़े देकर पैसे देकर, ज़्यादा खत उसके उस वक्त ही आते थे जब वो नज़र बंद होते थे या जेल में होते थे, उस वक्त आदमी परेशान होता है, फिर वालदा की याद आती है, वो खत लिखते थे, मैं जाता था और मेरी उनके साथ अपना सहीवाल जेल में, कसूर जेल में, अपना लखपत जेल में मेरी काफ़ी मुलाकात आए, मैं जाता था कपड़े वगैरह लेके देकर आता था। उसके बाद वो स्टेज ही उनका ऐसा था कि ज़रूरत ही नहीं थी उनको खर्चे की या कोई ऐसे, उनके वो अगर मुस्लिम लीग के जियाले थे तो उनके भी कुछ जियाले थे जो उनको संभाल रहे थे, यही है। बाकी तो कोई मामला नहीं ऐसा, कभी कोई इलाके में उनकी ज्यादती वो भी नहीं है, ना हमारे वाले साहब ने करने दी। अगर वो आते थे स्कूटी होती थी तो वाले साहब स्कूटी को भी मकसद है कहते थे कि इनको इन अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं, इलाके में नहीं जाना चाहिए। चौधरी साहब ये बताएं कि आपके पास बहुत सारे लोग उस वक्त आपके वाले साहब के पास या आपके पास आते होंगे सिफारिशें लेकर कि हमारा ये काम है हमारा वो काम है, कोई रुका लिख दें, कोई खत लिख दें, कोई फोन कर दें, तो चौधरी अरशद अमीन साहब को आपकी तरफ से कोई सिफारिश या कोई खत या कभी किसी को रुका भेजा गया? जी कभी काम होते थे हमारे वाले साहब तो नहीं लिख कर देते थे,
ना ही वाला साहब को उन्होंने कहा था कि मेहरबानी करें आप मेरे बाप हैं, कोई काम होता है कोई नहीं होता, आप तहर मेरा कहा हुआ था, जो भी सिफारिश या जो भी फोन करना है या किसी के पास जाना है या किसी का कोई काम करवाना, मैं ही कहता था उनको, और मेरे वाले साहब और भाई नहीं बोलते थे। वो कहता था अभी छोटा है ना, अगर काम हो जाएगा फिर भी बेहतर है, अगर नहीं होगा तो तब भी नाराजगी नहीं होगी, जब वाले साहब का रुका आएगा तो फिर नजायज जायज काम करना पड़ता था उनको, इसलिए वाले साहब नहीं लिखते थे उनको, कोई खत नहीं लिखते थे ना ही किसी की सिफारिश करते थे। मैं जाता था, जो वैसे भी जो हुकूमत उनके दौर में रही है मुकम्मल बैन रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में कॉलेज के काम होते थे, टेक्निकल के काम होते थे, वो जो भी जाता था वो अपनी सपोर्ट करते थे। लिया का आदमी को वो हर वक्त 24 आवर मिलने के लिए तैयार रहते थे, जबकि लाहौर के लोगों के लिए या बाहर के लोगों के लिए शायद वो न मिलते हों। लिया के आदमी, लिया का नाम आता था वो खुद बाहर चले आते थे। अच्छा, कहते हैं कि उनके यानी आर्डर पर या उनके तालक वास्ते के ऊपर लाहौर शहर के जितने भी एसएचओ हैं तो उनकी मर्जी से तब्दील होते थे, क्या ये हकीकत है? एक आदमी ने 50-60 कॉलेज चलाना है और सदारत है उसके पास, उसने इतने काम करने हैं, एसएचओ वगैरह तो उनकी मर्जी के ही होते होंगे। अब सियासत में ये तो होता है ना, सियासत चलती तब है जब इंतजामिया आपके साथ होगी, अगर इंतजामिया आपके साथ नहीं होगी तो सियासत क्या चलेगी। ये तकरीबन था ऐसे। उनका जो विजिटिंग कार्ड था चौधरी अरशद अमीन का, जिसके ऊपर चौधरी अरशद अमीन लिखा हुआ है, तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम वो कार्ड लेकर कहीं भी जाते थे तो उनका जो मुश्किल से मुश्किल काम होता था वो भी हो जाता है। तो चौधरी अरशद अमीन का जो कार्ड था उसकी कितनी अहमियत थी? लेकिन जी, वो कार्ड की अहमियत तो होती है मुस्लिम लीग में, मुस्लिम एमएसएफ में, इसको लाहौर का शेर बोला जाता था अरशद अमीन। जब एक शेर बोला जाता है उसका कार्ड चलना या उसका कार्ड ना चलना, ये तो नामुमकिन बात है ना। कार्ड तो चलेगा ही उसका, जिसको मकसद जिसकी इंतजामिया या मेरे हिसाब से मोहम्मद खान जनेजो साहब वजीर आजम जब थे और बहुत ही इनके आपस में मिलना जुलना था, फिर वजीर आला साहब थे मियां मंजूर भट्टू साहब, उनसे भी इनका ज़ाती ताल्लुक था, वजीर तालीम रियाज सुतियाना साहब थे वो इनके एमएसएफ के दौर के दोस्त थे, इन्होंने इकट्ठे मिलकर एमएसएफ चलाई थी। जब ये एमएसएफ में गए थे तो अक्सरियत उधर जमीयत की थी, जब इनका रूज था तो अक्सरियत एमएसएफ की थी। आप पढ़कर देख लें, साफी हैं तकरीबन 90-91-92 में जो है अपना लाहौर में कुछ कॉलेज थे जो पीएसएफ और जमीयत के पास थे, अक्सरियत एमएसएफ के पास थी। चौधरी अरशद अमीन साहब की जिंदगी के मुतालिक आज हम बात कर रहे हैं, तो उनकी अज़दवाजी हैसियत क्या थी, उनकी कोई शादी थी, कोई बच्चे हैं उनके, या कहीं उनकी बातचीत हुई थी शादी के लिए, या क्या क्या स्टेटस था उनका शादी के हवाले से? उनका सर एक तो शादी नहीं हुई थी बिल्कुल, उन्होंने पहले तो शादी की तरफ आते ही नहीं थे, कोई जिंदगी ऐसी थी, सियासत में थे, फिर एक ना ये डेथ से थोड़ा अरसा पहले, एक 7-8 माह पहले एक जगह हम गए थे, उनका कोई बात वगैरह की थी, लेकिन उनसे भी कोई अभी
शादी नहीं हुई थी, बात हुई हुई थी भी शादी करूंगा, और उस फैमिली से भी बाद में हमारा रहा है थोड़ी देर वास्ता, उसके बाद ना वो आए हैं ना हम कभी गए हैं, शादी नहीं हुई थी ना ही कोई बच्चे हैं उनके, बातचीत हुई हुई थी, एक फैमिली थी लाहौर में, अभी तो मुझे काफ़ी अरसा हो गया, उनके नाम वगैरह नहीं याद, एक दो मुलाकात हुई थी, हमारी बड़ी भाभी गई थी और भाई गया था उनसे बातचीत करने, और भाई आरफ की वालदा गई थी, बातचीत हुई हुई थी, शादी नहीं हुई थी ना ही कोई बच्चे हैं उनके। तो बहुत सारे किरदारों के ऊपर फिल्में बनी हैं, पाकिस्तान का जो शोबिस है तो बहुत सारे किरदार हैं लाहौर में जो रहे हैं, तो उनके ऊपर फिल्में वगैरह बनी हैं। चौधरी अरशद अमीन के ऊपर कोई फिल्म वगैरह बनी है? अगर नहीं बनी तो कोई शख्स आपसे रब्ता करता है कि हम उनके ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी के मुतालिक आप सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं, उनकी जो शुरू से लाइफ है तो आप बताएंगे उनको? लेकिन इससे पहले तो हम ये कुछ ऐसी बातें करना नहीं चाहते, आपसे हमारा ज़ाती कोई ताल्लुक है, आप आए हैं जो पूछेंगे मैं बता दूंगा, और मेरा भाई है, अगर कोई पूछे भी तो मुझे बताना चाहिए, मुझे क्यों नहीं बताना चाहिए, कोई ऐसी बात अगर कोई पूछे तो कोई वो ना ही तो वो कोई इतना सियासत ही की है, कोई गुनाह तो नहीं किया उसने भी, हम उससे शर्मिंदा हों, हमारा भाई था शेर था बस, अब नहीं है तो कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला के काम है, उसमें कोई किसी का जोर नहीं है, कोई सवाल पूछे तो हमें कोई ना बताने वाली मुझे कोई फिल्म वगैरह को बनाना चाहे मेरे सब जैसे आप कहेंगे कर लेंगे। उस बच्चे का हक ना मारें, उस बच्चे के दिल में जहर ना भरें, एक बाप को, एक बच्चे को उसके बाप की और उसकी माँ की दोनों की ज़रूरत होती है, अगर नहीं कर सकती तो हफ्ते में जो एक दिन वाली रिक्वेस्ट है वो इनकी मान ली जाए। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।